हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड बस। और मैं हूँ आशी। सो फ्रेंड्स, क्रिसमस इज राउंड द कॉर्नर, बट वेयर इज द क्रिसमस क्राफ्ट? सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रिसमस क्राफ्ट लेकर आई हूँ, और ऐसा क्राफ्ट लेकर आई हूँ जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये क्राफ्ट मैंने कोशिश की है कि अब हर कोई घर में अपने ट्राई कर सकता है, बड़े भी, छोटे भी, बच्चे भी, क्योंकि ये इतना सिंपल है, इतना अच्छा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जाने से पहले मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। तो चलिए, लेट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्राफ्ट स्टार्ट करने के लिए ग्रीन शीट लेनी है, उस पर 16x11 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल मार्क करके कटआउट लेना है। मैंने 11 सेंटीमीटर लिया है, आप 12 भी ले सकते हैं। कटआउट लेने के बाद एग्जैक्ट हाफ मार्क करके आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है दोनों तरफ। अब जिगजैग फोल्ड करना स्टार्ट करना है। जिगजैग फोल्ड होने के बाद पंचिंग मशीन से जो आपने लाइन ड्रॉ करी थी वहां पर पंच करना है। फ्रेंड्स, लाइन ड्रॉ करने का यही फ़ायदा है कि पंचिंग मशीन से जब आप पंच करेंगे तो एग्जैक्ट पंच आएगा और उस पर आप स्ट्रॉ ईजली इंसर्ट कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉ नॉर्मल लिया है, आप कलरफुल स्ट्रॉ भी ले सकते हैं। स्ट्रॉ इंसर्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा जिगजैग को ओपन करना है कटआउट लेने के लिए ट्री शेप का। अब आप ट्री शेप का कटआउट इस तरीके से ले लेंगे इस पर, और हमारा क्रिसमस ट्री तैयार हो जाएगा। ट्री को कंप्लीट करने के लिए ऊपर हम एक स्टार लगाएंगे, वो हम ऑरेंज शीट से स्टार बनाएंगे, या आप येलो भी ले सकते हैं। ऐसे आपको 2 स्टार्स कट करने होंगे। अब ट्री को डेकोरेट करने के लिए मैंने फेविकॉल से उस पर लाइन बनाई है, उस पर मैंने स्पार्कल स्प्रेड करूंगी। आप स्पार्कल ट्यूब भी यूज कर सकते हैं। टाइम टू पेस्ट द स्टार्स। स्टार्स को हम कुछ इस तरीके से पेस्ट करेंगे और स्टार को भी डेकोरेट कर लेंगे विद द ग्लिटर। हमारा क्रिसमस ट्री टेक अवे तैयार है। गार्लैंड बनाने के लिए हम स्ट्रिंग लेंगे, ये फर स्ट्रिंग्स हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती हैं। नाउ हम स्ट्रिंग को ट्री शेप देंगे और शेप का कुछ हम इस तरीके से देंगे। है और इसी तरीके से हम सारी स्ट्रिंग से ट्री बना लेंगे।
ट्री तैयार होने के बाद हम जूट रोप लेंगे। जूट रोप पे हम सारी ट्रीज को वन बाय वन स्टिक कर लेंगे। आप स्टिक से, आप फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही इसको राउंड करके स्टिक किया है। सारे ट्रीज स्टेक होने के बाद हमारी गार्लिंग तैयार है।